दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हमने पासपोर्ट साइज फोटो बनाया हुआ है। दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं आपको। इसको मैं कट कर देता हूं। हमने फोटो सेलेक्ट कर लिया। फोटो सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा क्रॉप टूल होता है। थोड़ी देर तक माउस रखेंगे, आपको दिख जाएगा कि ये क्रॉप टूल है। क्रॉप सेलेक्ट कर लेंगे और पासपोर्ट साइज की जो विड्थ और हाइट होती है, ये होता है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट जो होती है 3.5 सेंटीमीटर। रिजोल्यूशन 300 होता है, लेकिन आप अपने पिक्चर के अनुसार, आपकी जिस फोटो की जो रिजोल्यूशन हो, अगर आप DSLR कैमरे से लिए हो, किस कैमरे से लिए हो, उस हिसाब से कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, और इसको भी मैं 3 मान के चल रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं कि जितनी फोटो हमको काटनी है उतना हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फोटो को हम ऐसे क्रॉप कर लेते हैं, और फोटो क्रॉप करने के बाद करना क्या है आपको, इस हिसाब से सेट करें जिस हिसाब से आपका कंधा जो है दोनों साइड बराबर आए। अब साइड बराबर दिख रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, इतना करने के बाद कीबोर्ड से इंटरप्रेस करेंगे। जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इस फोटो को जूम करके देखना चाहें तो जूम कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ फिट ऑन स्क्रीन पे, थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा कर लीजिए, आपको दिख रहा है इस प्रकार से फोटो। अब हम क्या काम करते हैं, चलिए अब हम एक न्यू पेज ले लेते हैं और कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, साइज दे रहा है किस प्रकार से आप साइज लेना चाह रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करने के बाद, हालांकि अधिकतर A4 साइज ही मार्केट में उपलब्ध होते हैं पेपर प्रिंट आउट करने के लिए, इसके अलावा और से साइज भी होते हैं, आप कोई भी एक साइज ले लीजिए। चलिए मैं कोई एक साइज ले लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। जिस अब हम क्या काम करेंगे, इस पर चलेंगे, इसको बोलते हैं मूव टूल। मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और एक बार फोटो पर क्लिक करने के बाद फोटो थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर लेंगे। ये हमारा फोटो ड्रैग हो गया। अब हम क्या काम करते हैं कि अल्ट के साथ एरो प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट एरो करेंगे डुप्लीकेट के लिए, और ये फोटो अब आपको दिख रही होगी, ये हमारा डुप्लीकेट हो गया। फिर अल्ट के साथ एरो प्रेस करेंगे और फिर से अल्ट एरो, चार फोटो हमारी हो गई। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं चार लेयर हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लेने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ई करेंगे, प्रेस करेंगे, तो हमारा जो भी लेयर रहेगा वो मर्ज हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, फिर से अल्ट के साथ एरो प्रेस करेंगे तो ये दोगुना हो जाएगा, 4 का 8 फोटो हो जाएगा। आप सबको दिख रहा है, लेकर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ ए करें, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, एडिट पर जाइए और स्ट्रोक का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से आप कलर दूसरा ले लीजिए, ओके कर दीजिए और ओके, उसके बाद कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर दीजिए और एक न्यू पेज ले लेते हैं हम।